तो वो हो गया शत्रु। होता है कुछ तो पूर्व जन्म के लेके आते हैं, कहते स्वामी जी पता नहीं कारण क्या हो जाता है उसके साथ, मेरा पटता ही नहीं है। देखते हैं उसका मुंह, देखते हैं लगता है कैसे 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 वो शत्रु। और जिसे कहा उदास है, इसको यहां द्वंद्व में कहते हैं, दो शत्रु मित्र व्यक्ति दो हो गए। पहला वाला क्या था? वस्तु। क्या था वो? लाभ। सेकंड वाला व्यक्तिगत दृष्टि से क्या था वो? शत्रु मित्र। अब थर्ड है शरीर का अपना। देखो बाहर से कैसे माक्रो से कैसे माइक्रो तक आ रहे हैं, बाहर से कैसे आ रहे हैं अंदर। शरीर शरीर को शीत उष्ण लगता है, कभी गर्म कभी ठंडा। यहां का वातावरण बहुत बढ़िया है, रात को तो ठंड लगती है, फैन बंद करना पड़ता है। और ये कमरे में ये जो हॉल है ना, ये बहुत आते ही ठंड लग रहा है। और नीचे वाले भी कुछ कुछ कमरे उसमें फैन एक में चल जाता है, और आप अपनी जगह पर। अब गंगा के किनारे 5 बजे बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है, और वही 5 बजे अपने अपने जगह पर लू भगवान कुंभक करते हैं। तो इसको कहते हैं शीतोष्ण, शरीर का धर्म है। शीत और उष्ण तीन हो गया। प्राण का धर्म है प्राण, भूख और प्यास। भूख प्यास ये भी द्वंद्व है प्राण का धर्म। ये 6 होने के लिए हमने प्राण को जोड़ा, कहीं कहीं 4 कहीं 5 है तो वो हट जाएगा। ये 4 तक आ गए, 5वां है मन। मन में सुख दुख, मन में ही सुख दुख होता है। भूख और प्यास ये दो है, या तो भूख लगेगा या तो प्यास लगेगा, दो द्वंद्व है। द्वंद्व है दो, द्वंद्व माने दो, ऑपोजिट भी होता है सपक्ष भी होता है। भूख भी एक है और प्यास भी, द्वंद्व का अर्थ दो है। तो एक है भूख और एक साथ नहीं है वो, अलग अलग है, एक भूख एक प्यास। 4 हो गया। 5वां है मन, सुख और दुख। मन में सुख और दुख होता है। 6ठा है बुद्धि का, क्या बता सकते हो? yes. क्या मान और अपमान है, इसको कहते हैं द्वंद। उसको यहां पर इंगित करते हैं, यहां कुछ जोड़ते हैं कुछ कहते हैं। देखना पढ़ा क्या हमने? शीतोष्ण सुख दुखे सत्व रजस्तमो वसिन्यादि सक्तो अष्टौ। ये तो सख्त उपासना है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं कुछ शब्द यूज कर रहे हैं तो वो जोड़ते हैं उपासना के साथ, और जोड़ते हैं श्री चक्र के साथ, वो जोड़ते हैं शक्ति के साथ। हमारे हर इंद्रियों में अधिष्ठात्र देवी, वेदांत में अधिष्ठात्र देवता, और तंत्र में अधिष्ठात्र देवी, वो जोड़ते हैं। कहते ये 8 शक्ति है, मन की शक्ति है, जिन शक्ति के कारण, जो देवी के कारण ये 8 चीजें हमारे अंदर फंक्शन होते हैं, हमारे अंदर काम करते हैं। वो क्या क्या है ना? कहते हैं शीत उष्ण, ये शरीर का है। फिर क्या है? सुख दुख, ये मन का है। बस ये दो द्वंद्व दिखाया, 4 हो गया। इच्छा, ये मन के भावना को इच्छा कहते हैं, यहां जो इमोशंस है ना ई, उसको इच्छा कहते हैं। या जो अष्ट चक्र है, कर्म फल भोग संस्कार वासना संकल्प विचार, जो कामना है वो इच्छा है, डिजायर। फिर सत्वगुण रजगुण तमोगुण, 3 गुण है मिला करके अष्ट कहते हैं। वो यही तो खासियत है, जो प्रकृति के अलग अलग विधा है उसको जोड़ करके एक कॉम्बिनेशन करके बताना है, गणित करना है।
यह अष्ट शक्ति है। और ये बसिन्यादि, बसिन्यादि का दो अर्थ है, अर्थात इसी के बस में सारा मनुष्य रहता है। शीतोष्ण सुख दुख इच्छा सत्वगुण रजगुण तमोगुण, इन तीनों बस में सब रहते हैं। या तो प्रकृति के बस में ये सब रहते हैं, शीतोष्ण सुख दुख सत्वगुण रजगुण तमोगुण, वो मूल कौन है? प्रकृति है, उसके कंट्रोल में सब है। यंत्रारूढ़ानि माया, भगवान कहते हैं। आपने बचपन में देखा वो खिलौने का, वो राजस्थान से अलग अलग जगह पर आएंगे, रात को वो दिखाएंगे, रात को दिखाएंगे, क्योंकि उनका कला धक्का दिखाई देगा ना दिन में। हमारे मन में आता था जब बच्चे थे और देखते थे, ये रात में क्यों दिखाते हैं, पता चलता है। फिर हम दिन में जाके चिपचिप कर कहाँ से कैसे, क्योंकि वो खिलौना कैसे नाचते हैं। तो वो एक ही आदमी होगा ऊपर बैठा हुआ, उसका पांच उंगलियों में, फिर हाँ ये रिस्ट में, फिर हाथ में, फिर ये में, सब में, और वो लेट कर क्या क्या कैसे सुंदर करेगा सा, फिर नाटक भी करेगा, राम विवाह भी कर देगा, हनुमान जी भी जा रहे हैं, कोई भी नाटक प्रसन्न हो जाएगा, सब उसके अंदर है। इसी प्रकार प्रकृति नचाती है, सूयते सचराचर। तो छोटे से सूत्र से कितना वेदांत का चिंतन आ जाता है। ब्रह्म सूत्र में जो व्याख्या होती है, मुझे हम लोग के जो ब्रह्मचर्यों के कोर्स होता है वो ब्रह्म सूत्र के चार सूत्र ही पढ़ाया जाता है। मैंने जब कोर्स किया था हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था, मैं जब कोर्स करवाया मौका नहीं मिला, समय नहीं हो पाया, तो वहाँ बहुत कैंप चलता रहता था, तो उसमें कोर्स खत्म नहीं हुआ, छूट गया था। कुछ साल पहले यहाँ एक उत्तरकाशी में, ऋषिकेश और उत्तरकाशी में एक साधु संत का एक समाज है, वो लोग भाष्य पारायण करते हैं। यहाँ भी हुआ है, बद्रीनाथ भी हुआ है, जो स्वामी ध्यानानंद जी थे केरल में हुआ है, पुणे में हुआ है, और मुझे संस्कृत का बहुत पसंद है, तो उसके बाद मैं भी उनके जब भी जाता था, तो एंड यहाँ जब मैं चार महीना था उसमें साधु संत का एक सत्संग होता था महीने में एक बार, तो यहाँ पर भी होता था, फिर मौका मिलता था बोलने के लिए, तो हम भी बोलते थे, उनको लगता था अच्छा स्वामी जी बोलते हैं, तो देन परिचित भी अच्छा हुआ, सबके साथ मेरा परिचित भी एंड क्या आप आएंगे, तो मैं तीन तीन चार बार जा चुका हूँ, अहमदाबाद गया हूँ, उसमें गीता के एक अध्याय मुझे दिया गया, ब्रह्मसूत्र के ऊपर सब लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने, जो यहाँ के ऋषिकेश के उत्तरकाशी के जो संत हैं जो विचार करते उन लोगों ने दायित्व लिया। चिन्मय मिशन में सिर्फ एक दो लोग आए थे, जो छोड़ दिए वो लोग भी आते, और किसी ने भी साहस नहीं किया। मुझे पूछा गया, मैंने हाँ मैं लूँगा, तो एक सूत्र दिया गया, वो सूत्र को लिया, पढ़ाई किया। उस समय वृंदावन में कैंप चल रहा था, उसके बाद जाना है, तो ब्रह्म सूत्र मैंने कहा देखो गुरुदेव ने मौका दिया, भगवान ने मौका दिया, ब्रह्मचर्य को पढ़ाने के लिए मौका नहीं मिला, चलो यहाँ पर डिवोटिस है, संत है, साधु है, मौका मिला। तो ब्रह्म सूत्र जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है जो उपनिषद पढ़े हैं, जैसे उपनिषद के सृष्टि तत्व है बहुत वर्णन है, बस छोटे से सूत्र में बता लिया। उपनिषद में शास्त्र की महत्ता है, छोटे से सूत्र में बता दिया। ज्ञान के महत्ता है, छोटे से सूत्र में बता दिया। ये ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र है ये ऐसे अर्थ है क्या, जो उपनिषद पढ़ा है वो सारांश रूप में सूत्र रूप में ब्रह्म सूत्र है, और जो ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा है, उपनिषद नहीं पढ़ा है, ब्रह्म सूत्र पढ़ेगा उसको उपनिषद पढ़ने की जिज्ञासा श्रद्धा हो जाएगी, ये विशेषता है। इसी प्रकार यहां पर ऐसे सूत्र के माध्यम से बता देते हैं कि जो उपनिषद के जो विषय प्रतिपादन है आत्मतत्व, जो प्रकृति के बारे में सृष्टि, चार मीमांसा है उपनिषद के, तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, साधन मीमांसा। तो यहां पर सृष्टि मीमांसा ज्यादा नहीं है, तत्व मीमांसा है, प्रमाण मीमांसा और साधन मीमांसा है।
चिंतन ब्रह्म के जो विचार है वो चिंतन दिया गया है। और क्योंकि ये शाक्त अथर्ववेद है, शक्ति की उपासना है, इसलिए घूम फिर करके उसी दृष्टि में देखते हैं। ये हो गया अष्ट शक्ति आठ। अब आगे चलो, शब्दादि तन्मात्राः, कुछ छूट गया क्या? शब्द स्पर्श रूप गंधाः पंच तन्मात्राः पंच पुष्पवाणा मन ईक्ष धनो वस्यो वाणी पादः पार्श्वस्पत्कृशः। कहते हैं अब देखो थोड़ा सा इसी को वेदांत के जो शब्द को पौराणिक कहानी में कैसे बताया गया। देखो पता है ना, एक कामदेव भगवान है, भगवान के ही परमात्मा के एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जानते हो, ऐसे एक अट्रैक्शन डिपार्टमेंट होता। तो अट्रैक्शन डिपार्टमेंट का हेड ही कामदेव। कहानी में पुराणों में क्या बोलते हैं, कामदेव के पास पांच बाण होते हैं, पांच फूलों का बाण। तो यहां पर कहते देखो, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा और विषय में क्या फर्क जानना। तन्मात्रा है जो सूक्ष्म विषय है, पंचीकृत पंच महाभूत हुआ नहीं है और सूक्ष्म अवस्था में है। जैसे एग्जाम्पल में सब्जी जो एज इट इज बाजार से खरीद के लाए वो है, और उसको फिर आपने बनाया, जो बनाया है वो पंच महाभूत पंचीकरण हो गया, और जो अपने अपने स्थिति पर रहे है, अपने एज ओरिजिनल या तो जगह पर है या तो फ्रिज के अंदर है, वो है पंच तन्मात्रा। जैसा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो फिर पंचीकरण होकर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो आप देखते हैं वो बनता है। तो यहाँ पर कहते मूलतः शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा वो क्या है, पंच पुष्प माला, पांच फूल के माला है। तो हमारे कामदेव जी इसी को पुराणों में वर्णन है, पांच फूल वो रखते हैं, पांच फूलों के वो माला पहनते हैं, ये वर्णन है। पांच फूल उसमें वर्णन है कि आम का, फिर पद्म फूल इस प्रकार के हैं, फिर मल्ली फूल मल्लिका बकुल आम के, ऐसे पंच फूल वर्णन है कामदेव के पास, पंच पुष्प। अभिज्ञात शकुंतलम कुमार संभव, कुमार संभव में कालिदास ने भी इसको बहुत वर्णन किया है। तो ये एक रूप बताया, मन इक्ष धनु, ये जो मन है ना वो धनु है। उपनिषद में मुंडक उपनिषद में भी वर्णन करते हैं तल्लक्षम उच्यते। तो ये जो मन है, तो यहां पर बताते हैं कि ये धनु है। धनु से क्या करता हूं, तीर छोड़ते हैं ना, एक तीर होता है एक धनु होता है, तो मन धनु हो गया। तीर कौन से है, धनु तीर क्या है, जो वो कहते हैं हमारी इच्छा कामना, और एक तर्कस रहता है, तर्कस क्या था वासना, वो वासना के अंदर एक एक करके निकलते हैं। राग पाश, पास माने रस्सी अटैचमेंट, द्वेष अंकुश, अंकुश माने जो बांधने की जो है जंजीर, ये क्या है द्वेष आदि सब वर्णन है। अच्छा अभी थोड़ा सा सृष्टि में मानसा बता रहे, बहुत कम है ज्यादा एक ही श्लोक में, सृष्टि कैसे बनी ना, एक परमात्मा थे। तैतृ उपनिषद में छांदोग्य बृहदारण्यक
एक परमात्मा, उनके एक प्रकृति जो अव्यक्त कहते हैं, वो अव्यक्त से भागवत में वर्णन है महत्त्व बनते हैं, फिर तीन अहंकार बनते हैं सात्विक रजसिक तमसिक, फिर उससे पंच तन्मात्रा, फिर पंच प्राण, फिर अंतकरण, फिर स्थूल पंचीकरण से ये सारा सृष्टि बनती है। तथा आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायु रत्न है, ऐसे वर्णन है, उसको थोड़ा सा इंगित करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सूत्र में। अव्यक्त वाला अव्यक्त महत्तत्व अहंकारम अहंकार कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्य अंतस्त्रिकोणाग्रगा देवता पंचदश अतिथिरूपेण कालस्य परिणाम अवलोकनम पंचदश नित्या श्रद्धानुरूपाधि देवता तयोः कामेश्वरी सदानंद घना पूर्णा स्वात्मैक्य रूपा देवता। वेदांत में प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं, अर्थात परमात्मा ब्रह्म के पास एक शक्ति है, उसको अव्यक्त कहते हैं, उसको प्रकृति कहिए। माया तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वरम श्वेता श्वेतर परिषद में, इसी माया या प्रकृति या अविद्या या वासना इसको अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त क्यों कहते हैं? ऐसा अव्यक्त ब्रह्म भी अव्यक्त है, व्यक्त माने स्थूल रूप में नहीं है, वो अव्यक्त रूप में रहते हैं। उसी के तीन गुण है प्रकृति के, माया प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका सप्तगुण रजगुण तमगुणात्मिका, इसलिए उसको अव्यक्त। अव्यक्त से होते हैं महत्त्व या हिरण्यगर्भ। वेदांत के दृष्टि से जो शब्द हिरण्यगर्भ कहते हैं, योग दर्शन के दृष्टि से उसी को ही महत्त्व कहते हैं। एक ही हो, महत्त्व जड़ के संबंध में, हिरण्यगर्भ चेतन के संबंध में, इतना थोड़ा सा फर्क है। फिर हिरण्यगर्भ के बाद तीन अहंकार होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। अभी देखना सूत्र को देखना, अव्यक्त महत महात्मा ने महत्त्व अहंकार, इस सब चीज की एक मूल प्रकृति है, उसी को यहां पर कामेश्वर कहते हैं। वो जो कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्य तन त्रिकोणाग देवता, तो महा अव्यक्त को कामेश्वर जोड़ी, महातत्व को वज्रेश्वर जोड़ी और अहंकार को भगमालिन्य जोड़ी, ये तीन नाम है। तंत्र में नाम है, वो एक साइंस है, वो एक सब्जेक्ट है, इसी को ध्यान करना है। अर्थात वेदांत के जो विषय अव्यक्त प्रकृति सुनने तो वो कामेश्वरी है, महातत्व है वज्रेश्वरी है, अहंकार है तो मालिनेश्वरी है, ऐसे जानो भगमालिन्य है। और अल्टीमेटली वो जो इन तीनों से जो परे हो पुरुष है, जो सांख्य दर्शन में है वो पुरुष है, वो पंचदशा अतिथि रूपेण कालस्य परिणाम अवलोकनम पंचदशा नित्या श्रद्धा अनुरूप देवता तयोः कामेश्वरी सदानंद घना पूर्णा स्वात्मिक रूप देवता। इसी के ही अलग अलग रूप में होते हैं। अल्टीमेटली जो पुरुष है वो कामेश्वर देवता है, उसको जानो, ये बताया गया है। निरुपाधिक संविदेव कामेश्वर
उसमें नहीं है वो सूत्र वाला, इसमें है। तो वो भी वो जो सदानंद पूर्ण स्वात्मिक परिदेवता ललिता, अभी आगे बताते हैं जो पैराग्राफ के बाद पढ़ना उसको। अर्थात जो वेदांत में कहते हैं अव्यक्त पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा, यहां पर कहते हैं वो जो पुरुष है काम रूप कामेश्वरूप शक्ति के जो देवता वो शिव है, कहीं पर सदा शिव कहीं पर महाशिव अलग अलग नाम है उस परमात्मा। वेदांत उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग उसको परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग उसको भगवान कहते हैं। अब आगे देखते हैं, कहते हैं अभी उपचार, उपचार माने पूजा, उस परमात्मा को शक्ति के करने के लिए श्री चक्र तंत्र पूजा या वैदिक पूजा या पौराणिक पूजा, पूजा को कैसे करना है वो बता रहे। सलिल सौहत्य कारणम सत्वम कर्तव्यम अकर्तव्य इति भावना युक्तः उपचारः अस्ति नास्ति ते कर्तव्यता उपचारः बाह्य अभ्यन्तकरणानां रूप ग्रहण योग्यता अस्वित्यावाहनम् तस्य बाह्य अभ्यन्तकरणानां एकरूप विषय ग्रहणम् आसनम्। ये मैं आपको शॉर्ट में, क्योंकि पंचोपचार है, षोडशोपचार जो पूजा है ना 16 स्टेप, उसको पूरा शंकराचार्य ने भी मानस पूजा अनेक स्तोत्र में, पर अद्वैत वेदांत पर आसन किसे कहते हैं। अभी आसन क्या है जो पूजा करते हो, देखो मैं बताता हूँ ना, आसन को टच करो, पाद्यम क्या है, अर्घ्यम क्या है, आचमनियम, स्नानम, तो एक एक करके जो 16 स्टेप है वो बता रहे। आसन क्या है ना, कहते हैं उसी स्थिति में रहना है, बाह्य अभ्यंतर करणा नाम एक रूप विषय ग्रहण, अर्थात ये जो करण मिला हुआ है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, उसको ग्रहण करने के बाद एक ही स्थिति रहना, उसको आसन कहते हैं। अभी खाली आसन के जो लिटरली मीनिंग में क्या, इधर उधर जो बैठे हो चुपचाप बैठो, एक आसन में बैठ जाओ, शरीर को शरीर स्थिति विशेष आसन योग दर्शन में, तो अपने जो हाथ हिल रहा है पैर हिल रहा है जा रहे हैं वो कहते सब कंट्रोल कर लो, करके शरीर को एक जगह पर बैठा दो, उसको वेदांत के दृष्टि से या साधना के दृष्टि से कहते हमारा मन बाह्य विषय से हटा करके एक ही शक्ति परमात्मा लगाना को आसन कहते हैं। फिर कहते देखो पाद्यम रक्त शुद्ध पदैके करणं पाद्यश्च ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, तीसरा नंबर 1 2 3 मिला, अर्थात हमारा जो रक्त माने एक एक्टिव का लक्षण है, रक्त एक है, रक्त का जो लाल है वो संन्यास का लक्षण है, तो जो एक्टिवनेस है मन के अंदर उसको शुद्ध पदैकीकरण, अपने ही परमात्मा स्थिति में एकीकरण करने को पाद्य कहते हैं। पाद्य पाद्यम समर्पयामि करते हैं, पाद धोते हैं, वो वाला असली में तंत्र के साधन में कहते हैं ये तो करो सब, श्री चक्र पूजा करो, मगर अल्टीमेटली सोचो कि पाद्य क्या है, हमारा मन परमात्मा में एकीकरण। फिर जाता है उज्ज्वल दामोदानंदासनम दानः ऊर्ध्वम्
स्वच्छ स्वतः सिद्धम इति आचमनीयम्। ये आचमन से हम क्या करते हैं, अपने शुद्ध करते हैं ना, पानी ले लिया आचमन समर्पण, ओम गोविंदाय स्वाहा माधवाय स्वाहा ऐसे। तो कहते हैं अपने मन को उस परमात्मा में रखना, शुद्ध करना, ये ही क्या है आचमन है। स्नानम क्या, तो शरीर के दृष्टि से स्नान जैसे वो इतना जानते हैं, फिर भगवान को हम स्नान करवाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम पढ़ते हैं, फिर गुरु स्तोत्र पढ़ते हैं पादुका पूजा में, फिर जब देवी की पूजा होती है तो देवी सूक्तम पढ़ते हैं। अब स्नानम का वेदांतिक अर्थ या तांत्रिक अर्थ क्या बता रहे देखना। चित चंद्रमयी सर्वांग श्रवणम स्नानम। स्नान में आप देखना लिटरल क्या करते हैं, पानी डालते हो ना, तो कहते जब चैतन्य में अनुभव होता है और ये चैतन्यमय में अपने शरीर में भी वो विच्छुरित तो होता है या तो बाहर का जो चैतन्य अपने अंदर आता है, ये स्नान में। मेरे पास एक घंटा का बड़ा सुंदर मेडिटेशन का वीडियो है, उसमें यही है। पिरामिड जो हमारे पूर्वजन्म में जो मंदिर बनता है पूर्व काल में, अभी भी वही है। तो इस प्रकार जो था है वो ध्यान करने के लिए, अर्थात आकाश मंडल में जो कॉस्मिक पावर है वो खींचता है, फिर वो अपने शरीर को देता है। तो असली स्नानम क्या है, ना चैतन्य जो कॉस्मस में है, अभी भी साइंटिस्ट लोग कहते हैं जो साउंड है ना, जो वेद मंत्र है, जो भगवान ने कृष्ण ने कहा है, अभी भी वो इथर में है, वो केवल ग्रहण करने की कैपेसिटी होना चाहिए, जिसके पास है वो सुन सकता है। तो स्नानम क्या है, ना चैतन्य के जो विच्छुरित रसमय, वो उपनिषद गंगा में था ना, ईशावास्य उपनिषद के मंत्र गा रहे थे, पिताजी भी गा रहे थे, बेटा भी गा रहे थे, ईशावास्य का अर्थात हे रसमय रश्मिन सूर्य, अर्थात ये रश्मि के जो सूर्य है, सूर्य के जो रश्मियां हो मेरे अंदर आए, आवाहन करते हैं, स्नानम है। फिर आगे चलते हैं, चिदग्नि स्वरूप परमानंद शक्ति स्फुरणम। वस्त्रम प्रत्येक सप्तविशति धा भिन्नत्वेन इच्छा ज्ञान क्रिया आत्म ब्रह्म ग्रंथे भद्र सतांतो ब्रह्म नाड़े ब्रह्म सूत्रम। एक वस्त्रम दिया जाता है, जब जो हम लोग अपना के लिए करते हैं ना, कोई अतिथि आते हैं तो उनको आह्वान करते हैं, आओ बैठो स्नान करो, फिर थोड़ा सा हाथ को आचमनम अर्घ्यम पाद्यम, अपने लिए भी करते हैं, किसी अतिथि के लिए, भगवान के लिए भी यही करते हैं। उसको आध्यात्मिक रूप में कैसे करना है, तो कहते हैं जो वस्त्र है ना वो चिद अग्नि वस्त्र रूपम, जो चिद रूप चारों तरफ चैतन्यमय चिन्मात्र सर्वम खलिदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। वास्यम मने आच्छादितम, ये सारा जगत सूत्रे मणिगणा इव, सारा जगत व्याप्त है, तथा व्याप्तम सर्वम, वैसे ही वो ही वस्त्र है। वस्त्र का एक दूसरा अर्थ है वासना, भागवत में वर्णन है जो गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं भगवान, अर्थ वासना को हरण करते हैं। फिर एक ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र का अर्थ क्या है कि यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत क्या है ना ब्रह्म नाड़ी, ये जो नाड़ी है जब हम ध्यान करते हैं
पिंगला ईड़ा सुषुम्ना वो नाड़ी ही ब्रह्म सूत्र है। फिर अभी पूजा करने के बाद वस्त्र दे दिया, फिर उसके बाद आभूषण देते। तो आभूषण क्या है देखो, सो व्यतिरिक्त वस्तु संग्रहित स्मरणम विभूषणम। अपने परमात्मा का चिंतन, अपने आत्मा को छोड़ करके बाकी विषय वस्तु का त्याग करना ही विभूषण आभूषण। फिर स्वच्छ स्वपरिपूर्णम अनुस्मर गंध, अर्थात अपना ही परमात्मा को चिंतन कर रहा, स्मरण करना ही गंध। जैसे गंध चंदन लगाते ना, तो वो यहां पर आध्यात्मिक रूप में वही है। समस्त विषयाणाम मनस स्थैर्यम अनुसंधानम कुसुमम। फूल कुसुम क्या है, फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, वो क्या है ना, भगवान का चिंतन करते हैं, सब विषय को हटा करके भगवान की तरफ जाते हैं, वो फूल है। तेषामेव सर्वदा सुवर्ण धूप, फिर धूप देते भगवान के ही चिंतन करना ही। तेषामेव सर्वदा स्वीरण, उसमें स्थित रहना ही धूप है। फिर आगे क्या कहते हैं, पवनाविच्छिन्न धैर्य ज्वलन सच्चिद लोलक देव अल्स देह दीप, दीप दिखाते न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। तो दीप भी इसी प्रकार के परमात्मा का चिंतन, मैं शरीर से अलग भावना, नैवेद्यम समस्त याता वात वर्ज्य, ये जो जाना आना विषय है उसको हटा करके केवल परमात्मा को अर्पण करना नैवेद्यम। अवस्था त्रय एकीकरणम तांबूलम, तांबूलम समझ में आ रहा, पान, अर्थात ये जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था, ये तीन है, पान पत्ता रहता है, फिर कत्था रहता है, फिर और क्या रहता है, वो जीपी त्रिवेदी जानते हैं, लौंग रहता है, इलायची रहता है, वो ही अवस्था त्रय, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था एकीकरणम तांबूलम हो गया। शूलाधाराद ब्रह्मरंध्र पर्यंतम, ब्रह्मरंध्र मूलाधारे पर्यंतम गतागत रूपेण प्रदक्षिणम, ये जो प्रदक्षिण करते हैं ना, वो ब्रह्मरंध्र पर्यंतम माने मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र पर्यंतम साधक जब करता है वो ही प्रदक्षिणा, असली प्रदक्षिणा वही है। फिर तुरीय अवस्था नमस्कार, ये अलिखा हुआ है गलत हुआ, नमस्कार, नमस्कार क्या है न तुरीय अवस्था उसी स्थिति, चतुर्थ अवस्था वो नमस्कार है। देह शून्य प्रमात्र तानी मज्जनम बलिहरणम, बलिहरणम माने जो बलि प्रदान देते हैं ना, एक देना पड़ता है भोजन बलिदान देना पड़ता है वो है। फिर सत्यम मन्नी कर्तव्य कर्तव्य उदासीनम नित्य आत्म विलापन होम, फिर होम करते हैं समर्पण करते हैं, क्या है आत्म समर्पण आत्म विसर्जनम, वो स्वय तत्पादुका निमज्जन परिपूर्ण ध्यान। ध्यानम क्या है, उस पादुका में निमज्जन होना है। एवं मुहूर्त व्यक्तम भावना पर जीवन मुक्त भवती तस्य देवतात्मिक सिद्धि ही, अल्टीमेटली वेदांत के तरफ आ गए, क्या है उस परमात्मा का चिंतन करके आत्म तत्व में जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। चिंतित कार्याणि यत्नेन सिद्ध्यन्ति, ऐसे जो साधक लोग चिंतन करते हैं स्वयेव शिवयोगी इति कथ्यते, स्वयेव जीवन मुक्त इति कथ्यते, वो ही सचमुच जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये श्लोक हमने बताया आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए, उपनिषद में किस ढंग से है, और आप लोग घर में जब जाओगे अलग अलग उपनिषद हमारे चिन्मय मिश्र में बुक स्टॉल में बहुत है, 10-11 उपनिषद है, गीता प्रेस गोरखपुर में भी है अलग अलग उपनिषद, गीता शास्त्र अध्ययन करने की एक व्यसन, एक इच्छा, एक स्वभाव, एक जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। ओम पूर्णमदः।